नमस्कार, मैं अंकुणा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। दिल्ली के नवी करीम के प्रेम नगर में दिल दहलाने वाली घटना, 10वीं की छात्र निखिल की तेज धारेदार हथियार से हत्या। मध्य जिला के नवी करीम के प्रेम नगर इलाके में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। छात्र निखिल, जो कि 10वीं का क्लास में केंद्रीय विद्यालय गोल मार्केट में पढ़ता था, उसकी तीस धारेदार हथियार से हत्या करने वाला भी नाबालिग बताया जा रहा है। परिवार में निखिल अकेला लड़का है और पिता भी अखबार में काम करते हैं। परिवार वालों के मुताबिक निखिल घर से करीब 2:30 बजे ये कहकर निकला था कि वो अपना किताब और कुछ सामान लेने जा रहा है, लेकिन कुछ देर बाद किसी ने परिवार वालों को बताया कि निखिल के किसी ने चाकू से मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद परिवार के लोग आनंद फानंद में अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाते समय निखिल की मौत हो गई। निखिल आरोपी को पुलिस ने लिया हिरासत में। परिवार वालों के मुताबिक उसको बेरहमी से 3 चाकू मारे गए। परिवारों के मुताबिक आरोपी नाबालिग मुस्लिम है और उसके चाचा आम आदमी पार्टी के नेता हैं। पेश है दिल्ली से राजीव तिवारी की एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम संजय है। संजय जी, क्या हुआ, कैसे हुआ और किस पता है किसने मारा, क्या हुआ पूरा मामला? अब ये तो पता नहीं किसने मारा है। मेरे पास तो 2:30 बजे के पास फोन गया था कि भाई मेरी सिस्टर ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे भांजे को चक्कू मार दिया किसी ने और हॉस्पिटल ले गए। तो अभी इस चीज़ का कोई पता चल नहीं पाया है कि भाई किसने मारा किसने नहीं मारा। 2-3 लड़के थे, अभी पुलिस इंक्वायरी कर रही है। कोई ये सुनने में आया कि आम आदमी पार्टी का कोई नेता है और उसके लड़के हैं, आम आदमी पार्टी का है, लाल बिल्डर, उसके तो भतीजे वतीजे हैं, तो वो आम आदमी पार्टी में है, आम आदमी पार्टी में है वो। अच्छा, जो निखिल था वो लड़का था जो कौन सी क्लास में पढ़ता था? ये 10वीं क्लास में पढ़ता था। कौन से स्कूल में? ये KVS स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय आरएमएल मार्केट, केंद्रीय विद्यालय में। अच्छा, तो कोई झगड़ा वगैरह कोई ऐसा कुछ? ऐसे बीच से पहले कोई कुछ ना, कोई लड़ाई झगड़ा था ना कुछ भी, कोई उसकी कोई शिकायत नहीं आती थी, शरीफ लड़का था। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस अभी अपनी कार्रवाई कर रही है, मैं आयु साहब से भी मिला हूँ, वो अपने तरीके से कार्रवाई कर रही है। ठीक, तो एक बार नाम बता दी, नाम छोड़ दीजिए आप। मेरा नाम जगदीश है। जगदीश जी, आपको कब पता चला कि ये इंसिडेंट हो गया कि और इस मुझे समय पर लड़के आए थे बुलाने के लिए, क्योंकि ऐसा साहब का लड़का जो है कलावती हॉस्पिटल में। कितने बजे हुआ ये सारा? ये 1:30 आगे करीब 2:30। तो क्या बच्चा इकलौता था अपने परिवार में? लेता था, अकेला ही था, इकलौता लड़का था। परिवार में बहन वगैरह कोई? एक ही सिस्टर, एक बहन एक भाई, इकलौता बेटा है ये। लाल बिल्डर नाम करके उसका भतीजा बताया है। तो ये लाल बिल्डर है कौन? ये आम आदमी पार्टी का बताया गया, आम आदमी का। वो हम तो जानते नहीं था, अब ये तो जानते नहीं। लड़का भी शरीफ था, उसने अपने प्रोजेक्ट का सामान लेने जा रहा था। देखने वाले ये बता रहे, 3 जने चक्कू मार रहे थे यहाँ पे, यहाँ से दिल निकाल के करे बाहर आ गया था बिल्कुल। तो आप बताते? हाँ, ये यहाँ चक्कू मारा गया था जो दिल निकल के बिल्कुल बाहर आ गया था, और एक यहाँ पेट में चक्कू मारा गया है, यहाँ पे एक पैर में मारा गया है, 3 चाकू मारे उसको। हाँ, उधेड़ के रख दिया था। कुछ झगड़ा था या कुछ, क्या वजह? झगड़ा आप ये समझ में आया ना, झगड़ा करने वाले कौन थे? पैसे छीन रहे थे, क्या कर रहे थे वो ऐसा भी हो सकता है कि भाई उससे पैसे वैसे छीने गए, उसने कोशिश करी हो बचने की। तो आप बता रहे कोई आम आदमी पार्टी का नेता है वो? आम आदमी पार्टी का नेता बताया, उसके लड़के या भतीजे बताए गए, उसके लड़के या भतीजे। सर एक बार नाम बता दीजिए। और आप? मनीष नाम है। मनीष, आप उनके कौन है? मैं चाचा हूँ। क्या आपको पता है क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पूरी बात छोड़ दी है, कैसे बताइए पूरा? मेरे को पता लगा मेरे भतीजे के वहाँ पे कूड़ेखत्ते के पास चाकू मार दिए गए। मेरे साथ झगड़ा वगड़ा हो गया बच्चे का, तो हम हॉस्पिटल गए तो बता रहे लड़का खत्म हो चुका है तुम्हारा। तो पता लगा वहाँ पे कोई लाल नाम का कोई है माउंटेन, उसके आम आदमी की पार्टी का है, उसके भतीजे ने उस लड़के को चाकू मारे। उसके भतीजे ने चाकू, वजह क्या थी, क्यों मारा, वजह कुछ वजह का नहीं पता लग सका। अच्छा, जो पढ़ता था क्या निखिल पढ़ता था? पढ़ता था लड़का, स्टूडेंट 10वीं क्लास में। हाँ जी,
और जो लड़के थे वो क्या कर रहे थे, कुछ छीना झपटी कर रहे थे क्या? शायद उसका मोबाइल वोबाइल कुछ छीन झपटे हुए। तो वो घर से क्या क्या निकला था? घर से अपना कुछ सामान ला रहा था, चाहते मैं अपना स्कूल का सामान लेके आना, मुझे जा रहा हूँ मैं बुक वगैरह अपने प्रोजेक्ट का सामान लेके आ रहा था। तो अभी तक पुलिस ने आपको लगता है कार्रवाई करी? तो कुछ कार्रवाई नहीं करी, पब्लिक सब बता रहे हैं लेकिन पुलिस कह रहे हैं पकड़ में नहीं आया अभी तक। अभी तक लड़के को पकड़ा नहीं? नहीं अभी तक नहीं पकड़ा। ठीक।